ब्राह्मणवाद की समीक्षा होनी चाहिए, इनके पाखंडवाद की समीक्षा होनी चाहिए, जैसे इन्होंने वंचित वर्गों की समीक्षा की है, इन सब की खुद की समीक्षा होनी चाहिए कि इन्होंने देश के लिए क्या योगदान किया था, इनके पुरखों ने क्या योगदान किया था। जो बोर्ड से गांधी जी को मार देता है, अपराधी होता है 70 साल तक, और इनकी सरकार आते हैं वो देशभक्त बन जाता है। आज उसी के नाम से सब जगह नामकरण हो रहे हैं और गांधी जी देशद्रोही कहला रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन आदिवासी अपने अपने पहचान के साथ पूरे भारतवर्ष में निवास करता है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और सेवन सिस्टर जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, सभी स्टेट में, यानी कश्मीर में भी है, मतलब हर राज्य में आपको आदिवासी मिल जाएंगे। आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार ने जनगणना कॉलम कोड दिया था, उनकी एक यूनिक पहचान दी थी और उनकी जनसंख्या की काउंटिंग की थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और संविधान बना, संविधान में आदिवासियों की मूल पहचान को छिपा दिया गया और उनको अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया, लेकिन उनकी जनगणना को बंद कर दिया गया। आज तक पूरे आदिवासियों की कोई जनगणना नहीं की गई है, छोटे छोटे रूप में अलग अलग तरीके से की गई है, लेकिन टोटल जनसंख्या आज तक सरकार ने नहीं बताई है। सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल पहचान है आदिवासी ट्राइबल, उसको कोड किया जाए और उसके हमारी जनसंख्या काउंट की जाए। पूरे देश भर में आदिवासी, चाहे उनकी भाषाएं अलग है, चाहे पहनावा अलग है, चाहे उनका भौगोलिक प्रदेश अलग है, चाहे उनका रहन सहन अलग है, चाहे खान पान अलग है, लेकिन हम सब आदिवासी इस भारत के मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं, मूल बाशिंदे हैं, देशज हैं, इस देश के पूरे हकदार हैं। अच्छा, तो उन हकदारों को उनका मूल अधिकार मिलना चाहिए, उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। कौन से अधिकार नहीं दे पा रही है? अधिकार तो क्या उनकी मूल पहचान को ही छीन चुकी सरकार, अधिकार क्या देगी? आदिवासियों को तो मूल मालिक है, उन मूल मालिकों से अधिकार छीन कर ही तो संविधान में व्यवस्था दी गई थी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, और जो वन अधिकार कानून है 2006, या पैसा एक्ट है, या जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी 7.5% SC के लिए और 15% SC के लिए, वो आरक्षण आज तक पूरा नहीं हुआ है। आप इस बात का पता इस तथ्य से लगा सकते हैं, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और 47 के बाद आदिवासियों की जनसंख्या काउंट ही नहीं की गई, तो आरक्षण किसको दिया गया, कितना दिया गया, कब दिया गया, कुछ भी तो नहीं मिला। कितने न्यायाधीश आरक्षित वर्गों के हैं या कितने न्यायाधीश आदिवासी है? और अब न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे दिया कि आदिवासियों को आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस हक से बोलते हैं, संविधान सर्वोपरि है या वो न्यायाधीश सर्वोपरि है? स्वर्णवाद के तो सब जगह वर्चस्व बना हुआ, आदिवासियों को शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके जल जंगल जमीन पर भी सरकार शुरू से हक अधिकार अपनाती आई है, उनको जंगलों से जमीनों से बेदखल करती आई है, इसीलिए इतने कांड होते जा रहे हैं। आपने सोनभद्र कांड सुना होगा, जिसमें 11 आदिवासियों को सरेआम 2019 में, जिसमें राम राज्य बनना जा रहा है, जिसमें गगनचुंबी आयल देवालय बन रहा है श्री राम के लिए, ऐसे से मतलब पैसा अनावश्यक रूप से खर्चा किया जाता है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर सरकार के पास फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधाएं, बच्चों के लिए शिक्षा, उस शिक्षा में भी आदिवासियों ने बहुत मतलब सरकार ने बहुत कटौती की है, और जो प्राथमिक विद्यालय थे या जो आश्रम व्यवस्था थी, जो हॉस्टल व्यवस्था थी, वो भी समाप्त कर दी है और किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, हाँ, क्या लगता है जो ये फैसला आया 2012 में उत्तराखंड सरकार ने डाला था, क्या इसमें सरकार की भी सह रही है बीजेपी के इस फैसले? बिल्कुल सह रही है, क्योंकि सरकार और स्वर्णवादी वर्ग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, जो बहुजन समाज है, या जो ST SC OBC है या माइनॉरिटी है, वो समाज की मुख्य धारा में या देश की मुख्य धारा में आए, वो खुद नहीं चाहती, इसीलिए ऐसे ऐसे कानूनी फंडे या ऐसी ऐसी चीज़ें लाती है। जबकि आरक्षण मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, फिर वो न्यायाधीश कैसे कहते हैं? वो कानून के किताबें तो पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, या फिर वो मनुवादी है, इसलिए उन वर्गों को वंचित करने के लिए वो ऐसे ऐसे अधिकार ले आते हैं। क्यों वो संविधान के खिलाफ जाते हैं? जब संविधान से देश चल रहा है, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चला हुआ चुना हुआ शासन व्यवस्था है, तो जनता के जब हकाधिकारी पूरे नहीं होंगे तो ऐसी व्यवस्था किस काम की? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार चाहे तो दे सकती है ना स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा?
जब संविधान में लिखा हुआ है तो संविधान में जब जो चीज लिखी हुई है हम अलग से थोड़े ना मांग रहे हैं। आपको ज्यादा देना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देनी चाहिए। आप उस चीज को खत्म करके, आपको तो बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो। संविधान में टेक्निकल कहाँ है मौलिक अधिकार आरक्षण? कैसे लिखा हुआ है, पूरा आरक्षण में लिखा हुआ है कि 50% आरक्षण किसी को नहीं मिल सकता, इसलिए 49% SC ST OBC को दिया गया है, जिसमें 7 SC को है, फिर 7.5% ST को है, 15 ST को है, फिर 27 OBC को, ऐसे करके मतलब 49% होता है। तो बाकी जो 50% है वो जनरल का था, और इन रिजर्व कैटेगरी में जो टॉप करता था, जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स लाता था, वो वर्ग आता था। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट, यही मनुवादी व्यवस्था ने उस टॉप करने वाले वर्ग को, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या माइनॉरिटी का हो, उसको वापस उसी खांचे में बंद कर दिया कि आप आरक्षित वर्ग में ही जाएंगे, जनरल में नहीं जाएंगे। तो जनरल का कितना आरक्षण हुआ? 50% लेकिन वो आरक्षण आज तक पूरा नहीं दिया गया वंचित वर्गों का। और 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट गरीब स्वर्णों के लिए ले आती है, जिनकी गरीबी का पैमाना वो 8 लाख रुपये बताती है, जबकि ओबीसी का 6 लाख है और बाकी और लोगों का भी कम है। तो 8 लाख 6 लाख क्या उनको काउंटिंग नहीं आती कि ज़्यादा कौन सा है कम कौन सा है? 8 लाख होते हुए भी वो गरीब है और फिर भी वो आरक्षित पदों पे आ रहे हैं और उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। और जो बहुजन समाज है, जो माइनॉरिटी है या SC ST OBC है, वो अभी तक मुख्यधारा में आ नहीं पाया। अभी तक थोड़ा बहुत शिक्षित हुआ था, वो शिक्षण संस्थानों में पहुँचने लगा था। अब सरकार उनको कहती है कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य तय करेगा। बल्कि सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए हर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुसार उनकी हिस्सेदारी शिक्षा में भी दे, स्वास्थ्य में भी दे, रोजगार में भी दे और हर संसाधन में दे, ताकि सबका विकास इस देश के लिए विकास में सहभागी बने और सब अपने अपने योगदान से इस देश को आगे बढ़ाए। मैम, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो फैसले सुना रही है, SC ST Act को लेकर देखा जाए, अब रिजर्वेशन का फैसला आया जी, क्या लगता है वहाँ भी रिजर्वेशन की अब जो पड़ गई है कि आरक्षण के तहत कुछ SC ST जज भी होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जब आपको मैंने बताया संविधान में व्यवस्था दी गई है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप न्यायालयों में देख सकते हैं सारे स्वर्णवादी बैठे हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में देखिए सारे 99% वो लोग बैठे हैं, आरक्षित वर्ग अभी तक नहीं पहुँचा है। कुछ लोग पढ़ने के काबिल होकर वहाँ पहुँचने लायक बने हैं, तब ये फरमान आ जाते हैं कि SC ST Act में बदलाव किया जाए कि ये लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कानून थोपते हैं। तो इतने जो कांड होते हैं, श्री राम के नाम से इतनी हत्याएं हुई है दलित आदिवासी ओबीसीयों की, क्या किसी मनुवादी की या किसी ब्राह्मण की हत्या हुई है, किसी राजपूत की हत्या हुई है? तो जो गोपाल लगते हैं उन्हीं को आप हत्या कर रहे हो, और जो मतलब जयकारे लगा रहे हैं उनको देशभक्त बना रहे हो, उनको में तो आर्मी के जवान की बरात पर पथराव, बिल्कुल दलित आदिवासी ओबीसी मतलब वो किसी भी वर्ग, चाहे वो IAS हो या IPS हो, किसी भी बड़े स्तर पर पहुंच जाए दलित समाज का व्यक्ति, वो घोड़ी पे चढ़ते ही उनकी क्यों मतलब मानसिकता विकृत हो जाती है कि उसको मारने पीटने लग जाते हैं या उसकी हत्या भी कर दी जाती है, या वो कुर्सी पे बैठ के खाना खाता है उनके साथ तो कि वो क्यों खाया भाई हमारे सामने खाना, या उसने मुच्छे रख ली तो हमारी जैसे मुच्छे क्यों रखी। ये उनकी मानसिकता की मतलब कुंठित मानसिकता, विकृत मानसिकता की पहचान है। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, क्या उसकी इन लोगों ने शुरुआत कर दी है इस फैसले के द्वारा? शुरुआत नहीं, वो कर चुके हैं। जब 2014 में आए थे उन्होंने कहा था आरक्षण की समीक्षा हम करेंगे, तब 2014 में कहा था, ठीक है, उस वक्त वो समीक्षा कर चुके थे, इसीलिए वो 13 पॉइंट रोस्टर लेके आए थे। उस 13 पॉइंट रोस्टर से उन्होंने आदिवासियों को शिक्षण संस्थानों से बाहर निकाला था, क्योंकि रिजर्वेशन में आदिवासियों का 14वां पॉइंट होता है। जब 14 पॉइंट आपने खत्म कर दिया तो पूरी आदिवासी कौम जो 12 करोड़ है इस देश में, 1941 की जनगणना के अनुसार, 70 साल में तो जनगणना नहीं हुई लेकिन 1941 में जो हुई थी उसमें 12 करोड़, 13 पॉइंट रोस्टर की कह रही हूँ कि 14 पॉइंट आदिवासियों का आता था, तो वो खत्म करके उसने आदिवासियों के साथ बेइंसाफी की है, बहुत बड़ा अन्याय किया है कि जो वर्ग काबिल हुआ था शिक्षण संस्थानों में पढ़ने पढ़ाने के लायक, जो पढ़ा रहा था उसको, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो समीक्षा क्या, ये तो खत्म कर चुके हैं, उसके बाद ये फिर बार बार फरमान लाते हैं कि वापस से समीक्षा होनी चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने आदेश दिलवाया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो आरक्षण मौलिक अधिकार है, जब तो संविधान में व्यवस्था की थी संविधान निर्माताओं ने, कि जयपाल सिंह मुंडा ने या भीमराव अम्बेडकर
छत्तीसगढ़ ने ये व्यवस्था की थी, अनुसूची 5 और 6 विशेष रूप से आदिवासियों के लिए लागू की गई थी कि उनके क्षेत्रों में कोई अन्य वर्ग घुसपैठ या उनकी जमीन जायदाद नहीं ले सकता, सिर्फ आदिवासी रहेंगे, क्योंकि इस देश के मूल मालिक आदिवासी ही है। और जितनी भी जातियां प्रजातियां आई, जितने भी आक्रमणकारी आए, उन सबको मतलब स्वीकार किया उन्होंने, उनको पनाह दी है, और चाहे वो खदेड़े गए, चाहे वो मारे गए, लेकिन वो पीछे हटते गए, लेकिन उन्होंने सबको स्वीकार किया। लेकिन आज आदिवासियों के अस्तित्व को ये सरकार या संघीय सरकार जो खुद विदेशों से आए हैं, खुद घुसपैठिए हैं, आज सबकी नागरिकता के प्रमाण पत्र मांग रही है। क्या आरक्षण को बचाने के लिए क्या कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा 2 अप्रैल को? बिल्कुल करना होगा। और अब तो ब्राह्मणवाद की समीक्षा होनी चाहिए, इनके पाखंडवाद की समीक्षा होनी चाहिए, जैसे इन्होंने वंचित वर्गों की समीक्षा की है, इन सब की खुद की समीक्षा होनी चाहिए कि इन्होंने देश के लिए क्या योगदान किया था, इनके पुरखों ने क्या योगदान किया था। जो बोर्ड से गांधी जी को मार देता है, अपराधी होता है 70 साल तक, और इनकी सरकार आते वो देशभक्त बन जाता है। आज उसी के नाम से सब जगह नामकरण हो रहे हैं, गांधी जी देशद्रोही कहला रहे हैं, या गांधी जी के कार्यों पर लिपा पोती या काली होती जा रही है। तो आम जनता के ये अस्तित्व को कहाँ स्वीकार करेंगे, जब अपराधी इनके साथ प्रज्ञा जो साध्वी है वो खुद मतलब अपराधी है, खुद इनके जो लीडर है वो नित्यानंद स्वामी सेंगर है, सारे बलात्कारी हैं, सबको शरण दे रखे हैं, कोई मतलब किसी पे कोई अपराध की सजा कहीं कर मुकम्मल नहीं हुई है, सारे अपराधी मतलब सत्ता का सुख भोग रहे हैं इनके साथ। ये धर्म की आड़ में राजनीति का चोला पहनते हैं, धार्मिक रूप से लोगों को अफीम खिलाई जाती है और वोट बैंक बटोरा जाता है, इसलिए ये साधु सन्यासियों को राजनीति में लाते हैं। साधु सन्यासी क्या राजनीति करेंगे, वो तो मतलब हर चीज़ से मुक्त हो जाने चाहिए ना, फिर उनको सत्ता का लोभ क्यों है, उनको बैठना चाहिए ना बाहर कटोरा लेके।